उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जब कोरोना काल खंड में देश परेशान था तब कांग्रेस और सपा के लोग जनता की मदद करने की जगह गायब हो गए। भोपाल में कुशीनगर लोकसभा सीट से पार्टी प्रत्याशी विजय कुमार दुबे के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना काल के समय यूपी के दो लड़कों में से एक इंग्लैंड तो दूसरा इटली भाग गया था। कुशीनगर को कौन नहीं जानता है, कुशीनगर में यही विजय दुबे हैं। हम लोग सड़कों पे उतर करके, मुसर यहां भूख से मरता था, गरीब यहां भूख से मरता था, हम सड़कों पे उनके लिए आंदोलन करते थे। और बहनों और भाइयों, उस समय मेरे साथ यही अतुल सिंह, यही विजय दुबे, यही राजेश्वर सिंह और ये सभी कार्यकर्ता लग करके लड़ते थे प्रशासन के खिलाफ, समाजवादी पार्टी की ऐसी की तैसी फेरते थे हम लोग और उन गरीबों को राशन उपलब्ध कराते थे। आज मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने मुसर जाति के हर परिवार को एक एक आवास दिलाने में सफलता प्राप्त की है और जहां पे वह रह रहा है उसका पट्टा भी उसके नाम पर करने में सफलता प्राप्त की है और उनको राशन कार्ड भी उपलब्ध करवाने का काम करने के साथ ही विगत 4 वर्ष से मोदी जी के द्वारा फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी उन्हें प्रदान किया जा रहा है। बहनों और भाइयों, इस जनपद का गौरव है। आपने देखा होगा जो आज कुशीनगर में आपको देखने को मिलता है, यह कार्य अचानक नहीं हुआ, पूरे देश के अंदर मोदी जी ने ऐसे ही देश की कायाकल्प की है, पूरे देश को ऐसे ही बदला है। सम्मान देश का बड़ा है दुनिया में, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद पूरी तरह समाप्त हुआ है, नक्सलवाद का निस्तनाबूत हुआ है। बहनों और भाइयों, कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज होगा, एक कल्पना थी, एक कल्पना थी। और आज तो तब नड्डा जी ही भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री थे, जब कुशीनगर का प्रस्ताव देखा उन्होंने कहा अच्छा यही इंसेफ्लाइटिस से मौत होती ज्यादा, हमने कहा हां, कहा एक मेडिकल कॉलेज जरूर दो। और बहनों और भाइयों, आज आपका मेडिकल कॉलेज बन करके लगभग तैयार होने जा रहा है। कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है ना, कोई संदेह? और कुशीनगर में एयरपोर्ट भी बन गया है ना, और अभी तो यहां पे एक कृषि विश्वविद्यालय भी बन रहा है ना, महात्मा बुद्ध के नाम पर कृषि विश्वविद्यालय का निर्माण भी हम लोग यहां कराने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, कुशीनगर हम आते थे, सड़क है या गड्ढा है पता ही नहीं लगता था, आज तो जिस सड़क पर जाओ फराटा भरते हुए आप जा सकते हैं, एकदम बुलेट की स्पीड से चलते हैं आवाज। और पहले रिक्शा की स्पीड भी नहीं होती थी, पहले ट्रॉली की स्पीड होती थी कार की, और ट्रॉली की स्पीड क्या रही होगी तो आप ही जान सकते हैं। लेकिन आज कुशीनगर विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके जिस प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ा है, बहनों और भाइयों, ये नए भारत की तस्वीर है।